कहा जाता है मेरे दोस्त कि हम चैन से सो पाएं इसीलिए वह सो गया, कि हम चैन से सो पाएं इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया, वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश के आर्मी जवानों की तरफ से दुखद खबर सामने। अरुणाचल प्रदेश के कमिंग वैली से निकल कर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कमिंग वैली में महाराष्ट्र का वासिम का रहने वाले भारतीय सेना का जवान, पैरा कमांडो का जवान अमोल गोरे देश की रक्षा करते हुए अपने दो साथियों को जान बचाते हुए शहीद हो गए। आज शहीद जवान के सेना के विशेष वाहन से उनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास पर लाया गया, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही इनके पार्थिव शरीर पैतृक आवास पर रखा गया, जहां पर पार्थिव शरीर को देखते ही वीरांगना पत्नी और मासूम बेटे और बूढ़ी माँ की रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। बताया जा रहा है कि मासूम बेटे ने अपने शहीद पिता को चिता मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किए गए। अरुणाचल प्रदेश के कमिंग वैली में चीन सीमा पर देश का रक्षा करते हुए 27 अप्रैल को दोपहर 4:30 बजे वसीम तहसील के सोनखास के रहने वाले भारतीय सेना का जवान, पैरा कमांडो का जवान अमोल गोरे शहीद हो गए। अमोल गोरे और उसके दो साथियों जवान चीन सीमा पर गश्त कर रहे थे। उस दौरान कमिंग वैली में मूसलाधार बारिश और तेज हवा बह रही थी। इस बीच पानी का भारी प्रभाव उसकी दिशा में आया। इस प्रभाव में अमोल और उसके दो साथियों बह गए थे। अपने जान को बचाते हुए बिना प्रवाह करते हुए अपने दो साथियों को जान बचाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान अपना ही जान गंवा बैठे। यह जवान देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मेरी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यह जवान वर्ष 2010 में भारतीय सेना में कड़ी मशक्कत के साथ भर्ती हुआ था। किसान परिवार से जन्म लेने वाले अमोल का विवाह वैशाली के साथ वर्ष 2016 में हुआ था। अमोल ने सेना में रहते समय तैरने का प्रशिक्षण भी लिया था। वह काफी ही उम्दा तैराक था। अमोल का पश्चात पत्नी वैशाली, दो बच्चे, किसान पिता तानाजी गौरे, माँ, एक भाई, एक बहन अपने परिवार में रहता था। लेकिन सभी परिवार को यह जवान छोड़कर यह जवान देश की रक्षा करते हुए अपना ही जान परवाह कर दिए। अमोल का पार्थिव शरीर आज इनके पैतृक आवास पर सेना के विशेष वाहन से लाया गया, जहां पर पार्थिव शरीर को देखते ही वीरांगना पत्नी और बूढ़ी माँ का हालत बेहद ही रो रो कर बेहोशी बन चुका था। शहीद जवान का लोग पार्थिव शरीर पर तिरंगा यात्रा निकाला था, जहाँ पर लंबी तिरंगा यात्रा के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद अमोल गोरे तेरा नाम रहेगा नारे से गूंज उठ रहे थे।